तो असलम माई डियर एस व्यूअर्स मे पीस एंड मर्सी बी अपन यू ऑल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसा यू आई मतलब कैसा फॉन्ट देखने को मिलेगा आपको जे ई के एग्जाम में बाकी सब चीज़ें तो आपकी हो गई पर दिखता कैसे है जे ई का पेपर इतना ही नहीं और मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा किस तरीके से मैंने अपने काफ़ी सारा टाइम ज़ाया कर लिया था पेपर में क्योंकि मैं इस सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन को इग्नोर कर लिया था मतलब मैंने उसको अंडर कर दिया था ठीक है मैं वो भी आपको बताऊंगा सब बताएंगे पहले धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा एक क्लियर व्यू देना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से अपना पेपर एक्सपेक्ट करना है कैसा होगा ठीक है जेई मीन्स में ऑनलाइन सी जो जो बच्चे देते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे काफ़ी बच्चे सिर्फ़ ऑफलाइन मतलब पेपर का प्रिंट निकाल कर आ, करते रहते हैं पेपर्स या स्क्रीन से देख लेते हैं सीधे पेपर्स एज ए पेपर देख लेते हैं ठीक है और फिर अपने ओ एम आर पर घर पर मार्क कर लेते हैं तो वो काफ़ी फेमिलियर नहीं होते इन सब ऑप्शन से ठीक है जो आप सामने दे सक देख सकते हैं तो मैं अभी ऐसे रेफरेंस आकाश का आई ट्यूटर यूज़ कर रहा हूँ ये भी हंड्रेड परसेंट सिमिलर नहीं है जेई मीनस के फॉन्ट जैसा जे मेन्स है वैसा नहीं है पर नाइन्टी परसेंट सिमिलर है ठीक है तो तो आपको वहाँ पर दिया जाएगा एक माउस जिसका ये बटन प्रॉब्ली काम नहीं कर रहा होगा ये वाला स्क्रॉल जैसे मैं स्क्रॉल करने से अभी ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ ना इसको तो ये मे बी मुझे याद आ रहा है कि ये शायद वर्कआउट नहीं कर रहा था तो आपको इंडिविजुअली ऐसा ये पकड़ के नीचे खींचने का था ठीक है अब जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसको तो नीचे खींचने की जरूरत ही नहीं आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ऑप्शन बी है तो आप बी दबा दोगे ठीक है तो क्लियर करके आप क्लियर भी कर सकते हो बी दबा कर फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके मैथमेटिक्स सेक्शन का ये सेक्शंस बताता है ये बार ओके तो इस वाले आई ट्यूटर में तो आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर टू दबा कर तो देखो क्वेश्चन नंबर वन ग्रीन हो गया ठीक है लेकिन ऐसा था वहाँ पर मेन्स के पेपर में मुझे नहीं पता आपके टाइम पर ऐसा होगा कि नहीं होगा पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया आपको सेव एंड कंटिन्यू दबाना है तब आपको क्वेश्चन नंबर टू पर जाओगे और इसको ग्रीन आ जाएगा समझ रहे हैं इन अदर वर्ड्स देखो क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है मैंने इसको बी ऑप्शन दे दिया अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर एट दबा दिया तो क्वेश्चन नंबर टू पर भी वो ग्रीन आ गया ना तो मतलब इसने आपका रेस्पॉन्स पकड़ लिया पर जे मीन्स और जे एडवांस में ऐसा नहीं हो रहा था जब मैं दे रहा था ठीक है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और मुझे बाद में पता चला मेरा एक भी रिस्पॉन्स फुलफ़िल नहीं हुआ फिर मैंने अंदाजे से दे दिया क्या 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 मैंने दिया था एक क्वेश्चन तो मुझे नए से करना पड़ गया था ठीक है तो आप ये चीज़ समझ गए दूसरा आप टाइम के बारे में सोच लीजिएगा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये घड़ी पहनूंगा वो घड़ी पहनूंगा तो आपको कहना चाहता हूँ जेई मीनस और जी एडवांस में घड़ी अलाउड ही नहीं होती है एग्जाम सेंटर में करेंट तो घड़ी आपको यहाँ पर दी जाएगी ये वाली घड़ी टाइम सी पेपर में पर यहाँ ये आवर्स और मिनट्स में दिखा रहा है और सेकेंड्स में वहाँ पर आपको मिनट्स में ही दिखाएगा यानी कि पहले वन एटी मिनट होगा फिर मिनट्स कम कम हो रहे होंगे तो आप वैसे भी थोड़ा सोच लीजिएगा कि वन ट्वेंटी मतलब एक घंटा ख़त्म सिक्सटी मतलब दो घंटे ख़त्म और ज़ीरो मतलब तीन घंटे ख़त्म करेक्ट तो आप वैसे देख लीजिएगा मल्टीपल करेक्ट भी ऐसा ही कुछ होता है मेन्स में तो मल्टीपल करेक्ट नहीं होता मेन्स का फॉर्मेट ऐसा है कि पच्चीस तीस क्वेश्चन होता है उनमें से लास्ट के जो दस होते हैं वो ये ये वाले होते हैं एनी फाइव आप वो कर हैं मुझे पता नहीं ये कौन सा आर्काइव है मतलब उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो चुका था कि नहीं मतलब अब जो आ मीन्स के पेपर लास्ट दस तो इंटीजर टाइप होते हैं ना करेक्ट तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं वो सब अब बात करते हैं मार्क फॉर रिव्यू ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मार्क फॉर रिव्यू आपको करना है ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन था अरे इसमें तो मल ये वाले भी है इंटीजर भी ये वाला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू दबा दोगे तो सेवन कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं तो ये देखो पर्पल हो गया ना वन क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू जी ई मीन्स में सिर्फ इतना नहीं होता उसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने मार्क करके मैंने पहले ऑप्शन मार्क किया उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू किया ओके मार्क फॉर रिव्यू में ख़त्म भी कर सकता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो ग्रीन हो गया जी मीन्स में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं येलो होता है रेड होता है और और भी कोई कलर होता है तो उसमें क्या है अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो मतलब कोई एक ऑप्शन दे देते हो उसके बाद मार्क करते हो तो उसका कलर डिफरेंट होगा जैसे इसमें पर्पल हो रहा है अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे मतलब क्लियर रिस्पॉन्स करोगे उसके बाद मार्क करोगे तो इसमें तो पर्पल ही रह रहा है लेकिन उसमें येलो और रेड में से कोई एक रहेगा समझ रहे उसमें डिफरेंट कलर होगा ठीक है तो ये चीज़ भी बता दी आपको अब बात करते हैं इन शिफ्ट की ऑल पर मतलब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होंगे क्या दिखा रहा है ये सब ये सब तो सबको पता होती है पर मुझे पता है जिनने सी बी नहीं दिया उनके लिए नई बात है ठीक है दूसरी बात ये कि इतना जितने पर ये ऊपर और नीचे का बाहर नहीं दिख रहा होगा ये इतना इविजिबल होगा अब ये मेरा लैपटॉप है इसलिए ऐसा है वहां पर आपको इतना ही दिख रहा होगा यहाँ से और यहाँ तक करेक्ट मतलब आप ये टैब्स डिफरेंट चेंज वेंज नहीं कर सकते समझ रहे हो वहाँ पर इतना ही खुला हुआ होगा आपको आना है अपना पासवर्ड देना है जो आपका डी ओ बी होगा एंटर दबाना है आपका पेपर खुल जाएगा और पेपर खुलते समय आपको एक पेज दिखेगा वहाँ पर सारा फॉर्मेट लिखा हुआ होगा मतलब मीन्स का फॉर्मेट तो आपको ऑलरेडी पता रहता है पर एडवांस में हर साल फॉर्मेट चेंज होता है तो आपको पेपर खोलने के टाइम पहले एक पेज पर तीनों सेक्शन का या जितने भी सेक्शन होंगे पेपर में उसका फॉर्मेट दिखेगा आपको ओके अब मैं आपको ये सीरी स्क्वेंसेज बताने जा रहा हूँ कि ये कौन से बार्स है जब आप ये दबाते हैं तो आपको यहाँ पर स्लाइड में ये जो स्लाइड होगा ना मीन्स ये एडवांस में ये भी बंद और ओपन हो रहा होगा देखो यहाँ पर ये बंद नहीं हो रहा तो वहाँ पर एक बटन होगा मतलब ऐसा कुछ एरो जैसा होगा ये दबा लोगे और ये बा बंद हो जाएगा साइड में ओके तो फिर यहाँ पर फिर से दबाओगे तो फिर से खुल जाएगा तो ऑल पर आपने कर दिया यहाँ पर जो ऑल है तो आपको पूरे के पूरे 57 सेवन क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा जेई मीस का पेपर है जिसमें 57 सेवन क्वेश्चन है खैर आप छोड़ दीजिए वो बात तो पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं आपने फिज़िक्स दबा दिया तो आपको फिजिक्स से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है आपने केमिस्ट्री दबा दिया तो केमिस्ट्री से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है उन्नीसवा क्वेश्चन केमिस्ट्री का उन्नीसवा है करेक्ट आप मैथ दबा दिए तो मैथ्स का सेक्शन आपको दिख रहा है तो आपको ऐसे जाकर करना है ठीक है और आपको मैंने बोल दिया कि ये स्क्रॉल यहाँ पर काम रहा है वहाँ पर नहीं रहा था हालांकि जो वहाँ पर माउस था वो वायर वाला माउस था तो उसके पास भी स्क्रॉल था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा काम नहीं कर रहा था कहीं पर भी वहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ ये शायद एडअप ही नहीं हुआ है ठीक है ये स्क्रॉल तो आपको इस ढंडे के साथ ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा विच इज़ क्वाइट फाइन अंडिल एंडलेस की कुछ एक्सटर्नल इशू हो गया है कि मतलब जैसे पिछली बार हमारे जो एडवांस के टाइम पर सरों को वो सी में कुछ हुआ था मतलब नहीं सरों को नहीं पर थर्टी को क्या हुआ था एक इंडिया कि मान लीजिए इतना जूम हुआ था इतना मान लो इतना अब यहां से स्क्रॉल भी नहीं चल रहा है तो ये डंडा नीचे उतारो फिर यहां पर और एक स्लाइड बार था वो दाएं बाएं ले जाओ ठीक है इतना और जो ये एडवांस जितना बड़ा पेपर जो मतलब दिखता भी नहीं था तो मेन्स के क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बता दिया इससे आप दाएं बाएं कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन उधर इधर कर सकते हो ठीक है वो अब गायब हो गया वो जो क्वेश्चन उधर इधर करने का था ना वो शायद तभी आता है वो सब तो ऐसे आप अपना मैनेज कर सकते हो और जो फाइनली तो मैंने आपको बोल दिया आप इसकी आदत डाल दीजिए कोई भी क्वेश्चन करोगे सेवेंथ आपको सेवंथ को एटी नाइन आंसर आया एटी नाइन दे दिया सेव एंड कंटिन्यू ओके सेव एंड कंटिन्यू से पुराना सेव हो जाता है जब आपने फाइनल क्वेश्चन कर दिया फाइनल क्वेश्चन सेव एंड कंटिन्यू आप दबाएंगे फाइनल क्वेश्चन पर फिफ्टी सेवन पर सेव एंड कंटिन्यू सेव एंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के सेव एंड कंटिन्यू दबाने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू विश टू सबमिट दिस टेस्ट यू कैन नॉट एडिट रेस्पॉन्स अपन सबमिशन इसको नो no दबा दीजिएगा आप फिलहाल के लिए ठीक है नए से रिचेक चेक कर दोगे आप लोग अच्छे से ठीक है तो लास्ट में सबमिट ऐसे दबाओगे सबमिट का अलग स्वच दिया हुआ है ना तब तक एंड ऑफ द टाइम तक सबमिट के सुच के साथ कुछ नहीं करना है ओके ऐसे जाकर आप सारा कर लोगे बैक ऑप्शन से क्या होता है पिछला क्वेश्चन uh, पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर ओके सेव एंड कंटिन्यूस से क्या होता है आगे वाला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन हाँ मुझे जय मीन्स का और एक चीज़ याद आ रहा है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो और सेव एंड कंटिन्यूस दबा देते हो विदाउट मार्किंग ऑल्सो मतलब मार्क भी नहीं कर रहे हो उसको भी शायद कोई कलर आ जाता है ठीक है रेड कलर शायद आई डोंट नो तो उससे भी डरना नहीं है सेम ही है नॉर्मल है तो बैक से पीछे होता है सेवन कंटिन्यू से आगे होता है मार्ग भी बता दिया क्लियर रेस्पॉन्स मतलब आपने कुछ दबा दिया क्लियर रेस्पॉस से खत्म हो जाएगा क्योंकि आप कुछ दबा रहे हैं सेकेंड बार दबाने से अरे ये तो सेकेंड बार दबाने से क्लियर भी हो रहा है क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर आई है हाँ फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ले लो ये भी मल्टीपल कैरेक्टर है तुम समझ रहे हो ना जे मीनस का पेपर नहीं है टेंशन नहीं लेना ये देखो ये सिंगल कैरेक्टर सिंगल करेक्ट दूसरी बार दबा रहा हूँ मैं ये इरेज नहीं हो रहा है समझ रहे हो उसके लिए होता है क्लियर रिस्पॉन्स बटन सो आई होप कि मैंने आपको छोटे से टाइम में सब कुछ बता दिया है तो आपकी जितनी प्रिपरेशन आई होप कि आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए सबके ठीक है वैसे सब के आ गए तो रिलेटिवली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा पर जितना आपका एक्सपेक्टेशन आप, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जाए पेपर आई होप एंड आई विश तो इसी के साथ मिलता हूँ आप किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए सिया हैव ए गुड डे बाय